एजुकेटर एंड स्टूडेंट मोस्ट वेलकम इन एन आई यूएस विजन पॉइंट स्टूडेंट आज हम लोग स्टडी करेंगे उसी के आगे जेनेटिक्स में जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा था तो आज हम उसी के आगे स्टडी करेंगे ये क्या है ये है टेस्ट क्रॉस अब टेस्ट क्रॉस सुनने में कुछ ऐसा लग रहा है कुछ टेस्ट कर रहे हैं जी बिल्कुल ये टेस्ट क्रॉस है जहाँ पर कुछ टेस्टिंग की जा रही है अब आप, आप सोच रहे हैं किस चीज़ की टेस्टिंग की जा रही है तो देखिए यहाँ पर बच्चों जब हमने F2 टू जनरेशन बनाया था जब हमने F2 टू जेनरेशन यहाँ से ही क्या बच्चों हमने बनाया है गैमीट F2 टू जनरेशन आपने नहीं देखा है तो पुराना वाला वीडियो ज़रूर देखिए ये हमने बनाया है गैमीट और इनके बीच में जब हमने क्या करवाया क्रॉस होने दिया तो यहाँ पर आपको इस रेशियो में प्लांट मिले थे तो मिंडल से लोगों ने पूछा कि ये बताइए ये भी टॉल है ये भी टॉल है दोनों यानी कि फिजिकल अपीरेंस के बेसिस पर यानी कि फिनोटिपिक रेशियो ने क्या था थ्री रेशियो बंद था तो लोगों ने पूछा कैसे पता करेंगे कि ये जो प्लांट है ये होमोजाइगस्ट्रॉल है कि हेट्रोजाइगस्ट्रॉल है तो मिंडल ने कहा बात बिल्कुल सही है मैं टेस्ट करने का आपको तरीका बताता हूँ कि जो भी प्लांट है वो होमोजाइगेस्टॉल है या हेट्रोजाइगेस्टॉल है आप टेस्ट करके इसको पता कर सकते हैं तो उसी को बोला गया टेस्ट क्रॉस क्या है मिंडल ने कहा कि आप जिस प्लांट पर आपको डाउट है उस प्लांट को लीजिए और उस प्लांट को उसके रेसेसिव पैरेंट से क्रॉस करा दीजिए किससे करवाना बच्चों रेसेसिव पेरेंट से उसके रेसेसिव पेरेंट से आप क्रॉस करा दीजिए यानी डॉफ वाले से यदि सभी प्लांट टॉल हो गए यदि क्रॉस कराने के बाद सभी प्लांट कैसे मिले आपको टॉल मिले इसका मतलब है कि वो जो प्लांट था वो था होमोजाइगस्टॉल इसका मतलब वो प्लांट होगा होमोजाइगस्टॉल और यदि आधे प्लांट टॉल मिले और आधे प्लांट डॉफ मिले इसका मतलब होगा कि वो प्लांट था हेड्रोजाइगस्टॉल तो इसी चीज को हम यहां से भी समझ लें तो हमें और भी आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी देखिए ये प्लांट हमने लिया क्या है ये होमोजाइगेस्टॉल है होमोजाइगेस्टॉल है इसको हमने रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्या करवाया क्रॉस करवाया रेसेसिव पेरेंट यानी डॉफ वाला यानी डॉफ वाला प्लांट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है टेस्ट क्रॉस में बच्चों हमेशा रेसिसिव पेरेंट से ही क्रॉस कराते हैं तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा सारे के सारे प्लांट क्या हो जाएंगे टॉल हो जाएंगे यानी कि सभी जितने उनकी ऑफ स्प्रिंग हैं सभी क्या हो जाएंगे टॉल होंगे तो इसका मतलब ये प्लांट कैसा है होमोजाइगस हो टॉल है और यदि प्लांट हेट्रो टॉल होगा तो जब आप क्रॉस करवा रहे होंगे उसके रेसेसिव पेरेंट से तो बच्चों क्या होगा देखिए यहाँ पर दो प्लांट टॉल है और दो प्लांट डॉफ हैं इनको देखेंगे तो वन रेशियो वन आ जाएगा इनका रेशियो तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रॉस कराने पर वन रेशियो वन मिलता है आपको तो जहाँ पर फिफ्टी परसेंट टॉल हैं और फिफ्टी परसेंट डॉफ हैं तो ये तरीका लोगों को समझ में आया कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिस प्लांट पर डाउट है आप उसके रेसिस पेरेंट से क्या करवा दीजिए क्रॉस करवा दीजिए वो होमोजाइगेस्ट्रॉल है या हेट्रोजाइगेस्ट्रॉल है इस चीज का आपको पता लग जाएगा तो इसको देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टाल प्लांट क्रॉस द पेरेंट विथ रेसेसिव पेरेंट एक सेकेंड बच्चों हाँ क्या करेंगे आप जो भी प्लांट लिए हैं उसका टाइप आपको पता करना है तो उसका किसके साथ क्रॉस करवा कर देंगे के साथ में यानी डॉफ वाले के साथ में तो इसी को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस तो टेस्ट क्रॉस में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी प्लांट आप ले रहे हैं टॉल है कि टॉल है पता करने के लिए टेस्ट करने के लिए तो आप हमेशा रेसेसिव पेरेंट से ही क्या करवाएंगे क्रॉस करवाएंगे रेसेसिव पेरेंट के साथ ही आपको हमेशा क्रॉस करवाना है अब ये बातें तो हमें समझ में आ गई अब हमको ये जानना है कि क्या कोई एक्सेप्शन नहीं मिनरल लॉ का क्योंकि देखिए जब भी कोई साइंटिस्ट कोई चीज़ बता के जाता है तो बहुत से साइंटिस्ट जो उसके समकक्ष होते हैं खोजबीन में लग जाते हैं कि हाउ कैन इट पॉसिबल देयर इज नो एक्सेप्शन ऐसा कैसे हो सकता है कोई एक्सेप्शन ना हो कोई तो एक्सेप्शन होगा सब पता करने पर लग जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हुआ मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो यूनिवर्सल लॉ है लेकिन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉरेंस कॉरेंस के हाथ एक ऐसा प्लांट लगा जो मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है वो प्लांट कौन सा है क्या नाम है उस प्लांट का मीराबिली जलापा उस प्लांट का बच्चों नाम है मीरा जलापा जिसको कहा गया फोर ओ क्लाक प्लांट मीरा जलापा जिसको कहा गया फोर ओ क्लाक प्लांट इस प्लांट में क्या हुआ कि जब कॉल कॉलेज ने इस प्लांट में देखा कि एक रेड फ्लावर है और दूसरा वाइट फ्लावर वाला है इनके बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाया देखिए यहाँ से हमने गैमेट बनाया इनके बीच में जब क्रॉस करवाया तो एफ वन जनरेशन में सारे के सारे पिंक मिल गए ये कैसे हो सकता है मिंडल ने तो कहा था कि एफ वन जनरेशन में जो डोमिनेंट होगा वही अपना असर दिखा पाएगा यहाँ तो सारे रेड होने चाहिए था लेकिन सारे के सारे पिंक कैसे हो गए इनको लगा या तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है या फिर मिंडल के लॉ में कुछ गड़बड़ी है तो फिर क्या हुआ जैसे मिंडल ने करवाया था इनका सेल्फिंग होने दिया ये आई बच्चों एफ टू जेनरेशन एफ टू जेनरेशन में क्या मिला कि एक रेड है और दो पिंक हैं और एक वाइट है तो इन्होंने कहा कि ये तो मिंडल का एक्सेप्शन है यहां पर मिंडल का लॉ काम नहीं कर रहा लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं कर रहा है तो इसको कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेटिंग नेचर वाला है ये ये पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंट है पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है इसको इसी वजह से जाना गया कि मिंडल का ये एक्सेप्शन है यहाँ पर ये है क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं हो कर पा रहा किसके ऊपर वाइट वाले पर पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पा रहा है इसी वजह से कैसा कलर आ जा रहा है पिंक कलर आ जा रहा है तो यहाँ पर देखिए दोनों रेशियो भी बदल जाएंगे फिनोटिपिक रेशियो बदल जाएगा जीनोटिपिक तो वही रहेगा फिनोटिपिक रेशियो बच्चों क्या हो जाएगा इस केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है आप खुद ही देख के बताइए एफ टू जनरेशन देखिए एक रेड है और दो बच्चों पिंक हैं तो हमने वन रेशियो टू लिख दिया और एक कैसा है वाइट है और जीनोटिपिक रेशियो तो वही रहेगा कैपिटल आर वाला एक है कैपिटल आर स्मॉल आर वाले दो हैं और एक जो है स्मॉल आर यानी वाइट फ्लावर वाला एक है तो जीनोटिपिक रेशियो बच्चों हो जाएगा वन रेशियो टू रेशियो वन यहाँ पर फिनोटिपिक जीनोटिपिक एक ही जैसे रेशियो आ गए तो कॉरेंस ने इस प्लांट में बताया उसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है मीरा जलापा है जिसको फोर ओ क्लॉक प्लांट भी कहते हैं इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको देखने को मिलता है तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है और कोई एक्सेप्शन है हाँ याद उसको भी आपको रखना है कि और कोई ऐसा प्लांट है जो एक्सेप्शन शो कर रहा हो यस yes, बिल्कुल स्नैप ड्रैगन क्या है बच्चों स्नैप ड्रैगन एंटी मेजर्स स्नैप ड्रैगन जो क्या है एंटी रॉनस एंटी मेजर्स इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं इसको डॉग फ्लॉर भी कहते हैं यहाँ पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है तो दो एग्जाम्पल बच्चों आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में याद रखना है कौन कौन सा पहला वाला मीराबिली जलापा जिसको फोर ओ प्लांट का हम हमने कहा और दूसरा स्नैप ड्रैगन यानी एंटीराइनम मेजर्स है ये इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं तो दो प्लांट एक मीरा बिली जलापा दूसरा स्नैप ड्रैगन दोनों को आपको याद जरूर से रखना है तो ये बात तो हुई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का कोई एक्सेप्शन। अब फिर एक चीज़ और देखी गई बच्चों कि मिंडल ने कहा कि जो डोमिनेटिंग नेचर का होगा एफ वन जनरेशन में वही शो होगा रेसेसी वाला शो नहीं होगा लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन देखी गई जहां पर दोनों ही एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करवा रहे हैं ऐसी कंडीशन देखी गई जहां पर दोनों ही एलील अपने आप को क्या करवा रहे हैं एक्सप्रेस करवा ले रहे हैं तो उसको कहा गया कोडोमिनेंस, उसको कहा गया बच्चों कोडोमिनेंस, को का मतलब क्या होता है टुगेदर साथ साथ डोमिनेंस मतलब साथ साथ डोमिनेंट है देखिए अ कंडीशन वेयर बोथ स आर एक्सप्रेस्ड इन अ फिनोटिपिक रेसी फिनोटाइप मतलब जब हमने लिया वाइट कैटल और रेड कैटल मिंडल के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि जो डोमिनेटिंग नेचर का है वही एक्सप्रेस हो जाना चाहिए था रेसेसिव वाले का कलर तो आना नहीं चाहिए था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ हमें रोन रोइन कलर मिल गया यानी चितकबरी ये क्या है ये चितकबरी काउ मिल गई हमें क्या है ये चितकबरी चितकबरा जैसे होता है ना उसको रॉयन बोलते हैं चितकबरा कलर मिल गया तो ये क्या हुआ मिंडल के अकॉर्डिंग तो ये या तो ये इसे मान लीजिए रेड डोमिनेंट है तो रेड हो जाना चाहिए था ये तो चितकबरा हो गया तो ये भी मिंडल का क्या बच्चों एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का और भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमको को दिखाई देती है एक तो हमने देख लिया कोट कलर ऑफ कैटल जो फिगर के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा और दूसरा ए बी ब्लड ग्रुप जब आप ए बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए आई ए और आई बी ये होता है ए बी ब्लड ग्रुप जहाँ पर दोनों ही एलील क्या हैं डोमिनेंट है दोनों ही साथ में आते हैं तो दो एग्ज़म्पल आपको को डोमिनेंस में ज़रूर ध्यान रखना है एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है कोड कलर ऑफ कैटल एंड ए बी ब्लड ग्रुप इसको भी आपको जरूर से ध्यान रखना है तो ये थे मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन अब बच्चों हम आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि हम यहाँ पर दो करेक्टर कंसीडर करेंगे अभी हमने देखा था टॉल और ड्रॉफ यानी कि हम एक कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे थे वो एक करेक्टर क्या था प्लांट हाइट एक करेक्टर था प्लांट हाइट जिसमें हम एक देख रहे थे वैरायटी डॉफ और दूसरी टॉल तो एक करेक्टर प्लांट हाइट को कंसीडर कर रहे थे तो उसको हमने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्या था बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर दो करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों दो करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं कौन कौन से हैं दो करेक्टर देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है सीड में हमने देखा सीड सीड एक राउंड सीड लिया और वो राउंड सीड कैसा था येलो कलर का था बच्चों हमने राउंड सीड लिया वो राउंड सीड कैसा था येलो कलर का था राउंड सीड येलो कलर का था और उसी के कंट्रास्टिंग हमने लिया रिंकल्ड सीड यानी कि जो मुरझाया सा रहा होगा और उसका कलर क्या था बच्चों ग्रीन था तो ये क्या है ये डोमिनेंट है देखिए यहाँ पर हम दो करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं एक तो सीड का राउंड होना और दूसरा उसका येलो होना उसी के कंट्रास्टिंग ले रहे हैं रिंकल्ड सीड और वो है कैसा ग्रीन कलर का तो यहाँ पर हम दो करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस अब बच्चे इसके हम गैमीट बनाएंगे देखिए इसके हम गैमीट बनाएंगे जैसे यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमने लिया क्या राउंड सीट और वो कैसा है बच्चों येलो है इसी के अपोजिट हमने लिया रिंकल सीड्स जो कैसा है ग्रीन है अब इसके हम गैमेट बनाएंगे देखिए यहाँ से क्या आएगा आर और यहाँ से बच्चों क्या आएगा वाई यहाँ से गैमीट बनेंगे दोनों सेम है ना तो एक ही प्रकार का बनेंगे आर और इस्म अब क्या करवाएंगे इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्या आर, small R स्मॉल R कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये बच्चों क्या है एफ़ वन जेनरेशन है ये क्या है एफ़ वन जेनरेशन है यहाँ पर कैसे होंगे ये सभी के सभी सीड कैसे होंगे बच्चों राउंड होंगे और येलो कलर के होंगे क्योंकि ये डोमिनेंट है ये डोमिनेंट है तो एक अपना असर दिखाएगा तो ये बच्चों राउंड सीड और वो सीड कैसे होंगे येलो इन कलर होंगे अब हम क्या करेंगे इनका जैसे सेल्फिंग होने दिया था मंडल ने फर्स्ट वाला जो हम पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो वैसे ही इनकी यहाँ पर सेल्फिंग होने देंगे तो देखिए एक तरफ हम बनाएंगे फीमेल गैमेट और दूसरी तरफ हम बनाएंगे मेल गैमेट जनरली ये देखकर आपको कन्फ्यूजन होता है समझ भी नहीं आता है तो हम यहाँ पर बना करके देखेंगे देखिए अब हमें इसमें से क्या बनाना है बच्चों गयीट बनाना है और सेल्फिंग करानी है तो एक का बना ले दोनों का काम हो जाएगा देखिए यहाँ से हम पहले बना रहे हैं मेल वाले के लिए यहाँ बच्चों क्या बना रहे हैं हम मेल गयमीट बना रहे हैं या इसको या हम इसको कह दें कि हम मेल गए बना रहे हैं देखिए क्या बनेगा बच्चों यहाँ से यहाँ से देखिए क्या बनेंगे बताइए यहाँ से बनेंगे आपको कैसे याद रखना है इसको सबसे पहले कैपिटल वालों को ले लीजिए सबसे पहले आप कैपिटल वालों को ले लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई ठीक फिर पहले वाला कैपिटल ही रहने दीजिए और दूसरे वाले को स्मॉल ले लीजिए फिर क्या कीजिए स्मॉल आर दो बार ले लीजिए ये कैपिटल वाई हो जाएगा और दूसरी बार स्मॉल आपने लिया है स्मॉल वाई ले लीजिए तो ये आपके गैमेट बन गए ये बच्चों हमने मेल गैमेट बना लिए ये बच्चों हमने मेल गैमेट बना लिए अब हम क्या करेंगे इधर हम फीमेल गैमेट बनाएंगे इधर बच्चों क्या बनाएंगे हम फीमेल गैमेट बनाएंगे तो उसमें भी सेम चीज़ें आपको वहां पर लिख देनी है जो आपने इधर बनाया है सेम चीज़ आपको वहां पर रिपीट कर देनी है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई इस्मॉल आर और इस्म वाई अब बच्चों हम बना करवाएंगे इनके बीच में क्रॉस मतलब सेल्फिंग होने देंगे तो जो भी रिजल्ट बनेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको समझेंगे देखिए यहाँ से देखिए कैपिटल आर है ये कैपिटल आर है तो हमने आर आर साथ में लिख दिया ऐसा नहीं लिखना कि आर वाई आर वाई ऐसा बच्चों नहीं लिखना है कैसे लिखना है कैपिटल आर साथ में लिखा और कैपिटल वाई बाई लिख दिया ठीक है यहाँ पर देखिए क्या है कैपिटल आर है और ये कैपिटल आर है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हमने लिख दिया यहाँ पर बच्चों हमने क्या लिखा यहाँ से लेंगे देखिए कैपिटल आर है और स्मॉल आर है और ये क्या है कैपिटल वाई है और ये भी बेटा क्या है बेटा स्मॉल और कैपिटल वाई है दोनों ही वाई क्या है बेटा यहाँ पर कैपिटल है यहाँ पर हम क्या ले लेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ पर इस्माल आर है कैपिटल वाई है और इस्माल वाई है तो ये वाला आपने भर लिया अब सेम देख देख करके इसको भी भरना है यहाँ पर बच्चों देखिए कैपिटल आर है ये भी कैपिटल आर है वाई और स्मॉल वाई यहाँ पर कैपिटल आर यहाँ से और ये कैपिटल आर और बच्चों स्मॉल वाई स्मॉल वाई इसको भरना है यहाँ से हमने लिया कैपिटल आर ये लिया हमने इसमाल और कैपिटल वाई इस्मॉल वाई अब इसको भरना है देखिए कैपिटल आर और ये इस्मॉल आर है और ये इस्माल वाई इस्मॉल वाई है अब इसको भरना है बच्चों कैसे भरेंगे देखिए कैपिटल आर है इस्माल आर है ये कैपिटल वाई है और ये कैपिटल वाई है अब देख देख करके इसको भर सकते हैं कैपिटल आर है इस्माल आर है कैपिटल वाई है इस्माल वाई है यहाँ पर आप देखेंगे तो इस्माल आर दोनों ही इस्माल आर होंगे और कैपिटल वाई कैपिटल वाई हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी वाई है यहाँ पर ही बच्चों वाई है यहाँ पर क्या हो जाएगा इस्माल आर इस्माल आर कैपिटल वाई और इस्माल वाई इसको हम बना के दिखा रहे हैं कि आपको ऐसे बनाना है यहाँ से कन्फ्यूज नहीं करना है कि कैसे बना है कैसे बनाएंगे तो ये तरीका आपको जरूर पता रहना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का तो बच्चों इसको भरने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और ये बच्चों हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई अब इसको भरने के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है और इसको देखिए कैपिटल सॉरी स्मॉल है दोनों आर क्या है बच्चों स्मॉल है और दोनों ही वाई क्या है स्मॉल हैं तो ये हमने भर लिया इसको भी आप बहुत इजीली से बना सकते हैं आपको देखकर इसको बहुत कठिन लगता है ना कि डाई हाइब्रिड वाला कैसे करवाएं मोनो हाइब्रिड वाला तो समझ में आ गया डाई हाइब्रिड वाला कैसे करवाएं तो बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का सिंपल सा आपको काम करना है कि जब आप गैमीट बना लें जब आप गैमीट बना लें तब इसको क्या करें सीधा भरना ही रहता है और गैमीट कैसे बनाएंगे तो देखिए कैपिटल वाला पहले ले लीजिए आर कैपिटल आर पहले दो दो में कैपिटल आर ले लीजिए एक बारी कैपिटल वाई दूसरी वाली स्मॉल वाई फिर दोनों ही आर क्या ले लीजिए स्मॉल ले, ले लीजिए एक बारी कैपिटल वाई स्मॉल वाई और सेम जैसा ऐसे लिखा है इधर वैसा ही आप इधर लिख दीजिए और ये आप इस तरह से पूरा पुनेट स्क्वायर भर जाएगा अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस यानी देख जो हम बताते हैं वो रेशियो हम देखेंगे कि कितने सीड यहाँ पर राउंड हैं और येलो कलर के हैं कितने सीड हैं राउंड है राउंड हैं बट ग्रीन कलर के हैं तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे देखिए यहाँ पर बच्चों कितना है सोलह हैं देखिए कितने हैं कितने बॉक्स बने यहाँ पर सिक्सटीन बॉक्स हैं फोर 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 कितने हो जाएंगे सोलह सिक्सटीन बॉक्स यहाँ पर बने हैं तो ये वाला सीट कैसा होगा बच्चों ऑवेस सी बात है ये कैसा होगा राउंड और येलो होगा तो ये वाला कैसा होगा ए भी राउंड एंड एलो होगा ये कैसा होगा राउंड एंड एलो होगा ए भी बच्चों राउंड एंड येलो होगा यानी ये चार हमको यहाँ से मिल गए अब नीचे देखते हैं ए भी राउंड एलो होगा लेकिन ये नहीं होगा राउंड तो होगा बट येलो नहीं होगा ग्रीन होगा ये रेस वाला दोनों है ना ये नहीं होगा ये भी राउंड एलो होगा ये वाला नहीं होगा ये वाला राउंड एलो होगा ये राउंड एलो होगा बच्चों ये राउंड दोनों नहीं होंगे एलो तो होंगे लेकिन राउंड नहीं होंगे ये वाला राउंड एलो होगा और बस इतने कितने हैं गिन लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन बच्चों यहाँ पर हम आपको करके दिखा रहे हैं कि कैसे आपको करना है देखिए यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा कैसा आएगा नाइन नाइन रेशियो अगला देखते हैं अगले टाइप के कौन से सीट होंगे देखिए ये वाले सारे ख़त्म हो गए अब यहाँ ये देखिए कैसा होगा ये राउंड होगा लेकिन ग्रीन होगा राउंड होगा लेकिन ग्रीन होगा एक है और ये दूसरा वन टू ये भी राउंड होगा ग्रीन होगा टू और कोई राउंड ग्रीन है हाँ ये होगा तो ये बच्चों कैसे हो जाएगा थ्री ऐसे मिले जो राउंड एंड ग्रीन है थ्री हमें ऐसे मिले जो राउंड एंड ग्रीन है अब देखिए देखिए और अगला टाइप कोई मिलेगा बिल्कुल मिलेगा ये क्या है बच्चों ये रिंकल्ड हैं और और कैसे हैं इनका कलर कैसा है येलो कलर है रिंकल्ड है और येलो कलर के हैं ये भी क्या है? रिंकल्ड हैं और येलो कलर के हैं ये भी रिंकल्ड है और येलो कलर, ये कलर का है यानी ये भी हमें थ्री मिल गए यहाँ पर थ्री ऐसे मिले जो रिंकल्ड हैं बट येलो कलर के हैं और एक हमको ऐसा मिला जो क्या है रिंकल्ड है और ग्रीन है एक हमको बच्चों ऐसा मिला जो रिंकल्ड है और ग्रीन है तो हमने इसको लिख दिया तो यहाँ से ये बेटा ये क्या है नाइन का नाइन क्या है आपके ऐसे मिले हमको जो क्या है राउंड है जो बच्चों राउंड है और येलो हैं और तीन हमें ऐसे मिले जो क्या थे बच्चों जो आपके राउंड हैं राउंड हैं लेकिन ग्रीन हैं और तीन हमें ऐसे मिले जो क्या हैं रिंकल्ड हैं जो क्या हैं रिंकल्ड हैं बट रिंकल्ड हैं बट कैसे हैं येलो कलर के हैं और एक हमें ऐसा मिला जो क्या है रिंकल्ड है और किस कलर का है ग्रीन कलर का है तो ये यहाँ से आपका आता है फिनोटिपिक रेशियो क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो आपका बच्चों हमेशा पूछा जाता है तो आपको फिनोटिपिक रेशियो इसका याद रखना है जीनोटिपिक में जाने की जरूरत नहीं है फिनोटिपिक वाला ही आपको यहाँ से इतना याद रखना है तो ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस ढाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देख लिया कि यहाँ पर हमने दो करेक्टर कंसीडर किए हैं और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक करेक्टर कंसीडर करते हैं तो बच्चों अब हम इसी के बेसिस पर देखते हैं कि जो थर्ड लॉ है मेंडल का लॉ ऑफ क्या है बच्चों वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट इसी के बेसिस पर बताया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट तो उसको तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकिन थोड़ी चीजें और हमको समझनी है तो वो बच्चों हम समझ लेते हैं देखिए देखिए हम यहाँ पर समरी करके थोड़ा समझते हैं कि जब हम एक कैरेक्टर कंसीडर करते हैं तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रहता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस रहता है जब दो कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर बच्चों मोनो का मतलब एक ये क्या है ये यह आप यहाँ पर वन करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं वन करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं और जब डाई हाइब्रिड डाई हाइब्रिड यहाँ पर आप दो करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं करेक्टर कंसीडर कर रहे हैं करेक्टर और ट्रेड में क्या डिफरेंस है वो भी आपको एकदम याद होना चाहिए कि करेक्टर करेक्टर क्या है कैटेगरी है, क्या है? क्या है? जैसे कि प्लांट हाइट एक करेक्टर है और ट्रेड क्या है बच्चों डॉफ या टॉल होना वो उसका क्या है बच्चों ट्रेड है तो मोनोहाइब्रिड एक करेक्टर कंसीडर करेंगे डाई हाइब्रिड दो करेक्टर कंसीडर करेंगे और आपको जीन एलील में बिल्कुल डिफरेंसेस पता रहना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर में ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम आगे बात करेंगे तो आपको इसी टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर बात की जाएगी तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलील क्या है और और जीन क्या है तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी चीज़ किसी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबिल होते हैं जैसे हमने बनाया टी और ये ये टॉल के लिए ये डॉग के लिए दोनों साथ में हैं ये हमेशा कैसे होते पेयर में होते हैं हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक लिख दिया हमने कि सिर्फ एक लिख दिया ये हो गया जी नहीं जीन यानी कि ये सिंपल भाषा में कह दें कि जीन में दो एलील होंगे जो क्या है कंट्रास्टिंग ट्रेड के लिए कोड कर रहे होंगे यदि हम यहाँ पर बच्चों बना दें कि मान लीजिए ये होमोलोगस क्रोमोज़ोम है इसमें हम बना दें यहाँ से एक टी ये और ये बी ये और हम आपसे कहें कि यहाँ पर कितने जीन हैं यहाँ पर कितने जीन हैं तो आप बताओगे मैम यहाँ पर दो टाइप्स के जीन हैं यहाँ पर दो टाइप के जीन हैं है, एक टी ये है और दूसरा ये है यहाँ पर टू टाइप्स के जीन हैं और हम आपसे पूछें कि यहाँ पर एलील कितने हैं तो बच्चों आप कह देंगे कि यहाँ पर जो है वन टू थ्री फोर फोर एलील हैं तो यहाँ पर आप बच्चों बताएंगे कि फोर एलील हैं तो जिन लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो थोड़ा डिटेल में कवर किया गया है इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जीन और एलील में क्या डिफरेंस है तो एलील जो आपके ट्रेड के लिए काम करते हैं ना तो मेंडल ने सेवन करेक्टर पर काम किया था और फोर्टीन ट्रेड लिए थे उन्होंने तो ये चीज़ आपको समझना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो बना के भी दिखाया गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या क्या दिया गया है तो बच्चों आज यहीं तक कल हम लोग देखेंगे मंडल का जो लॉ है एक और कौन सा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट तो थैंक यू बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में